नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खतरनाक चक्रवात से तबाह हुए पश्चिम बंगाल के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी संकट मोचक बनकर कोलकाता पहुंचे। बंगाल के लिए एक बड़ी राहत दी है, जिसकी वजह से पूरे बंगाल में मोदी की जय जयकार हो रही है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ का पैकेज दिया है, जिससे बंगाल के लोग अपने नुकसान की भरपाई कर सके। लेकिन खतरा यह है कि मोदी सरकार का ये राहत पैकेज राजनीति के भंवर में फंस सकता है। बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। ममता बनर्जी ने एम्फन चक्रवात की वजह से हुए नुकसान पर राजनीति करने की पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने बीजेपी के लिए एक चक्रव्यूह रचा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी के पासे को पलट दिया। इस राजनीति की उठापटक के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले देखते हैं किस तरह से बंगाल पर आपदा की डबल मार पड़ी है। दुनिया तो कोरोना जैसी महामारी से जूझ ही रही है, लेकिन हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में एक नई मुसीबत आ गई। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो हुआ वो वाकई लोगों को झकझोर कर रख देने वाली घटना है। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान एम्फन ने बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे बंगाल के धीगा और बांग्लादेश के हाथिये के बीच कहर बरपाया। तूफान इतना तेज था कि जो मंजर उसके बाद पश्चिम बंगाल का बना, उसे बयां कर पाना लोगों के लिए आसान नहीं था। बंगाल में तूफान ने भारी तबाही मचाई। चक्रवात की चपेट में आने से लगभग 80 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कई लोग इसमें घायल हुए, हजारों पेड़ उखड़ गए। तेज हवा और भारी बारिश के कारण बहुत नुकसान हुआ है। कच्चे मकान ही नहीं, कोलकाता समेत कई इलाकों में कई पुरानी पक्की इमारतें भी धराशायी हो गई। बताया जा रहा है कि उत्तरी 24 परगना जिले में करीब 5200 घर तबाह हो गए हैं। चक्रवात कितना भयावह था, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सचिवालय तक के कई गेट और खिड़कियों के शीशे टूट गए। तूफान के चलते कोलकाता एयरपोर्ट पर भारी तबाही हुई है। पूरा एयरपोर्ट पानी से भर गया है। शेड गिरने से कई विमान भी क्षतिग्रस्त हो गए। एयरपोर्ट अथॉरिटी पानी निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस भयावह घटना के दौरान कोलकाता में हवा की गति 120 से 133 किलोमीटर प्रति घंटे रही। कोलकाता में 3 घंटे में 180 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई और कई इलाके पानी में समा गए। यहां तक कि दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भी सड़क, बिजली, पुल, संचार व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि तटीय इलाकों में लाखों की तादाद में लोग बसे हुए हैं। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि इस भयानक तूफान के दस्तक देने से पहले ही ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया था। बांग्लादेश में 24 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में 21 साल के बाद कोई सुपर साइक्लोन आया है। इससे पहले साल 1999 में एक चक्रवात ओडिशा के तट से टकराया था, जिसे पारादीप साइक्लोन का नाम दिया गया था। इसने भी जानमाल का भारी नुकसान किया था। और अब एम्फन, जिसका परिणाम आप देख चुके हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद बंगाल का जायजा लेने का अनुरोध किया। साथ ही कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा ने गृह मंत्रालय के अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वे दोनों प्रदेशों की सरकार के संपर्क में रहें, किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पर मदद करें। यह भी तय हुआ कि जल्द ही गृह मंत्रालय की एक टीम दोनों प्रदेशों का दौरा करेगी और तूफान से होने वाले नुकसान का आकलन करेगी। इस अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान से तबाही का जायजा लेने पीएम मोदी 83 दिनों के बाद राजधानी दिल्ली से बाहर निकले। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी उनके साथ मौजूद थे। इस दौरान प्रभावित इलाकों के ज्यादातर स्थान पानी से घिरे नजर आ रहे थे। हवाई सर्वेक्षण के बाद पीएम ने समीक्षा बैठक भी की, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एम्फन तूफान से करीब 1,00,000 करोड़ रुपए तक के नुकसान की आशंका जताई है। तूफान से हजारों लोग बेघर हो गए हैं, कई पुल नष्ट हो गए हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। कोलकाता और राज्य के कई अन्य हिस्सों में तबाही के निशान तस्वीरों में साफ देखे जा सकते हैं। इसके बाद मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को मदद का पूरा आश्वासन दिया, साथ ही एक बड़ा तोहफा भी दिया। एम्फन तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल की तत्काल सहायता के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने तूफान से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों को 2,00,000 रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि तूफान से प्रभावित क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति के कारण हुए नुकसान के बारे में विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से टीम भी भेजी जाएगी। पुनर्वास और पुनर्निर्माण से संबंधित सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा।
इसे लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है, जिसमें लिखा है, ₹1,000 करोड़ एडवांस अश्योरेंस विल बी गिवन टू वेस्ट बंगाल, ₹2 लाख वुड बी गिवन टू द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द पर्संस डिक्रीज्ड एंड ₹50,000 ईच टू द पर्संस हु गॉट सीरियसली इंजर्ड ड्यू टू द साइक्लोन इन पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो लोग इस मंजर से गुजर रहे हैं उनका क्या हाल होगा। जिन लोगों का नुकसान हुआ उनका बना बनाया आशियाना महज 6 घंटों में उजड़ गया। ना सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी इस तूफान ने लोगों को काफ़ी हद तक चोट पहुंचाई है। तमाम इंतजामों और सरकार की कोशिशों के बावजूद पश्चिम बंगाल को तबाह होने से बचाया नहीं जा सका। महामारी के इस दौर के बीच जो ये दूसरा कहर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोगों पर टूटा है उससे वाकई उन्हें मजबूत रहना होगा। ना सिर्फ सरकार बल्कि पूरा देश पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ है, और साथ ही सरकार ने जो 1,000 करोड़ की मदद का ऐलान किया है उससे बंगाल के लोगों को उम्मीद और राहत दोनों मिली है। लेकिन विडंबना यह है कि इसके पीछे भी राजनीति का खेल चल रहा है। राजनीति उसी वक्त शुरू हो गई थी जब ममता बनर्जी ने तूफान के बाद प्रधानमंत्री को बंगाल आने का न्योता दिया। 2019 के चुनाव से पहले अब तक कई बार ममता बनर्जी इस बात को कह चुकी हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानती, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। कई बार वो पीएम मोदी की बैठकों में भी शामिल नहीं हुई जिसमें देश के सारे मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। लेकिन जैसे ही तूफान ने तबाही मचाई तो ममता ने न्योता भेज दिया। अगर पीएम मोदी नहीं जाते तो ममता इसे एक मुद्दा बना देती। ममता ने खेल इसीलिए भी खेला क्योंकि पीएम का किसी इलाके में आना, वो भी लॉकडाउन के दौरान, काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि सुरक्षा के प्रबंध में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन पीएम मोदी इस खेल को पहले ही भांप गए और फौरन ही बंगाल आने की सहमति दे दी। ममता ने फिर दूसरा खेल खेला। उन्होंने पीएम मोदी के सामने 1,00,000 करोड़ रुपए की मांग रख दी। लेकिन सवाल यह उठता है कि नुकसान कितने का हुआ, इसकी ना तो कोई रिपोर्ट आई है और ना ही कोई आधिकारिक जायजा लिया गया है। इसीलिए यह एक राजनीति से प्रेरित डिमांड थी ताकि ममता यह आरोप लगा सके कि उन्होंने जो मांग की मोदी उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। बंगाल की जनता के लिए उनकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन यहां भी पीएम मोदी ममता से 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने तो पैसे देने से मना नहीं किया बल्कि फौरन 1,000 करोड़ की शुरुआती राहत पैकेज की घोषणा कर दी। और इसके बाद पीएम मोदी ने एक ऐसी चाल चल दी जिससे ममता चारों खाने चित हो गई। पीएम मोदी ने कहा कि नुकसान कितना हुआ है इसका जायजा केंद्र सरकार की एजेंसियां लेंगी। इतना ही नहीं, राहत कार्य पर केंद्रीय एजेंसियों की पूरी नजर होगी, इसका भी इंतजाम कर दिया गया है। अब यह ऐसी शर्त है जिसे ममता को मानना ही पड़ेगा क्योंकि समझने वाली बात यह है कि जब भी किसी राज्य में विपदा आती है और सारा पैसा राज्य सरकार अपने हाथ में लेकर राहत कार्य करती है तो उसमें सरकार चलाने वाली पार्टी अपने हिसाब से खर्च करती है और इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए भारत में ज्यादातर राहत कार्य पैसे के मुताबिक नहीं हो पाते हैं। अधिकारी, नेता, लोकल डीलर, सप्लायर्स, दलाल, ठेकेदार सब खूब कमाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे खेल पर ही पानी फेर दिया जब उन्होंने नुकसान जायजा लेने, राहत पैकेज और रिहैबिलिटेशन के कामों पर केंद्रीय एजेंसियों को बिठा दिया। फिलहाल ममता इसका विरोध नहीं कर पाएंगी क्योंकि ऐसा करते ही लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन ममता दीदी तो ममता दीदी हैं, वो चुप नहीं बैठने वाली हैं। हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी। खबरों की खबर में फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए कैपिटल टीवी।